अगली खबर आ रही है कन्नौज से, जहां पूर्व प्रधान के हत्यारोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाया गया था। एसडीएम छिबरामऊ ने भारी फोर्स के साथ पहुंचकर 3 मकान ध्वस्त करवाए हैं। तालाग्राम के नरुईया गांव में पूर्व प्रधान की चुनावी रंजिश में प्रधान की हत्या की गई थी। चाचा मैं तो बाहर था, मेरे चाचा थे इतने स्कूल में कैप्टी हो रही थी, नल की कैप्टी कराने आए थे शाम को 5:30-6 बजे के लिपट में। उन्होंने उसका नाम क्या, यहाँ कैप्टी करा रहे थे तो उन्होंने लाइट चली गई, लाइट बंद करने के बाद वो बाहर निकल रहे थे। तब तक उनका बेटा था प्रधान का, उन्होंने कहा क्या हो रहा है यहाँ। चाचा ने बोला इनको दिख नहीं रहा कि यहाँ कैप्टी हो रही है। इसके बाद उन्होंने चाचा जगह सिगरेट, वहाँ सिगरेट दुकान पर सिगरेट भी रहे थे, ये पाँच पीछे से गए, उन्होंने लाठी मारी, लाठी मार के मेरे चाचा होते पीछे एक लोग चाचा होते उनको भी करा, उनको भी मारा, तो उनको छोड़ के चुरा के भाग के बुलाने गए थे घर को। तब तक उन्होंने वहाँ से घेर के अंदर बंद कर लिया। अंदर बंद करने के बाद उन्होंने गेट इतना मारा बहुत मार के पीछे तारा में फेंक दिया। फिर मेरे चाचा ये गए बचाने के, उनको भी बहुत मारा। ये तो उनका पूरा 20 लोग थे, लगभग 20-30 लोग थे। क्या विवाद कारण क्या रहा? ये घटना ये है 7:30-6:30 की, मतलब किस क्या तारीख की? 14 नरुईया में घाट संख्या 495 जो तालाब के दर्ज कागजात है, रकबा इसका 237 एयर है। इस पे 3 लोगों का अवैध कब्जा पाया गया है, उसी के अभियान अवैध कब्जा हटाने का अभियान के अंतर्गत तीन लोगों की कार्रवाई की गई। 3 मकान है, 3 मकान में जो नाम तो मैं नहीं है मेरे पास, उन्हीं 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। आप लोग सर्च कर लें।